डीआरए कौन कौन कर सकता है, डीआरए करने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि डीआरए करके क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, ठीक है। डीआरए कौन कौन कर सकता है, डीआरए करने के क्या क्या फायदे होते हैं, डीआरए किसको करना चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि डीआरए किसको करना चाहिए, ठीक है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि डीआरए करके आपको क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अभी कर दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। DRA जिसकी फुल फॉर्म होती है डेप्ट रिकवरी एजेंट, जिसको कर्ज निकालने वाले एजेंट भी कहा जाता है, कर्ज निकालने वाले एजेंट भी इसे कहा जाता है। दोस्तों मैं बात करता हूं, देखो DRA होता क्या है। DRA एक ऐसा कोर्स है जिसको करके आप दो फील्ड को चॉइस कर सकते हो, आप जॉब में भी जा सकते हो, आप बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। आप जॉब में भी जाकर अपना करियर बना सकते हो और आप बिजनेस कर भी अपना करियर बना सकते हो, अपनी लाइफ सेट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो पहले इस कोर्स को करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। देखो पहली बात तो ये कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होती है इस कोर्स के लिए। गाइस देखो क्वालिफिकेशन इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई आपको 12th होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक 8th क्लास का बंदा भी DRA कर सकता है, ठीक है। बस थोड़ा देखो पढ़ना लिखना तो आना चाहिए उसे, पढ़ना लिखना उसे आना चाहिए, ठीक है। तो बात ये हो गई कि क्वालिफिकेशन तो ये हो गई। फीस इसकी बात करते हैं, देखो फीस इसमें अलग अलग कोचिंग सेंटर की उसके हिसाब से रहती है कि भाई कितनी कोचिंग के हिसाब से। वैसे जो नॉर्मल फीस होती है 1500 के आसपास रहती है, ठीक है। ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। अब इसमें एक बात और बता दूं कि सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें आते हैं। देखो जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके बैंक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बात आपकी यहाँ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जो इसमें जॉब और बिजनेस में। गाइज देखो इसमें आप जॉब भी कर सकते हो प्लस इसमें बिजनेस भी कर सकते हो। जॉब में भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है इसमें और बिजनेस में भी बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों वो सब हमारे ऊपर ही रहता है कि भाई हम किस चीज को अच्छी तरह से कर सकते हैं। चाहे हम जॉब में भी अगर जाना चाह रहे हैं तो हम जॉब में अच्छे से कमा सकते हैं या ना कमा सकते हैं, या हम बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस भी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बात करते हैं देखो जॉब वाली। जॉब में क्या होता है गाइस, देखो सबसे पहले तो आपको दो तरीके की एजेंट के रूप में काम मिलता है, या तो आप कॉलिंग से आप पैसा निकालोगे या आप बोरोवर के घर जाके पैसा निकालोगे, ठीक है। दोनों में बेनिफिट किस चीज में होता है, देखो बेनिफिट ये होता है, देखो अगर कॉलिंग वाला जो है उसे तो ऑफिस का काम करना है, उसको तो ऑफिस का स्टाफ संभालना है, उसे अगर वो टीम लीडर बन जाता है उसे ऑफिस का स्टाफ संभालना है। और जो फील्ड वाला बंदा होता है जो बोरोवर के घर जाकर पैसे निकालता है, उसके लिए क्या बेनिफिट होता है, उसके लिए देखो यार बेनिफिट कुछ नहीं होता, घूमना पड़ता है, बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है। तो जब घूमोगे तभी पैसा निकलेगा, जब आप बोरोवर के घर जाओगे तभी पैसा निकलेगा, ठीक है। इसमें 10-10 बार 20-20 बार भी जाना पड़ जाता है निकालने, क्योंकि बहुत टेढ़ी खीर भी मिल जाती है इसमें, ठीक। इसमें इनकम कैसे होती है और कैसे कैसे आपको पैसे प्रोवाइड होते हैं, देखो जॉब में जो होता है, जॉब में एक फिक्स सैलरी होती है आपको, ठीक है। कहीं कहीं कंपनियों में, कुछ कुछ कंपनियों में ऐसा होता है जहां आपको इंसेंटिव भी मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा पैसे निकालवा रहे हो पार्टी से तो आपको इंसेंटिव मिल जाता है, ठीक है। जो फील्ड वाला रहता है उसमें क्या होता है गाइस, देखो फिक्स सैलरी होती है उसमें भी, ठीक है। लेकिन जो कहीं कहीं होता है कि जो तेल के पैसे भी आपको देते हैं, लेकिन तेल के पैसे कोई नहीं देता, आपके जो पेट्रोल जो लग रहा है बाइक में वो आपको अपने पास से डलवाना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, ज़्यादातर केस में ऐसी होता है कि अपने पेट्रोल जो होता है वो अपने पास से डलवाना पड़ता है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो आपको पेट्रोल के पैसे दे देते हैं, लेकिन सब नहीं देते, ठीक है। लेकिन वो तो भाई कंपनी के ऊपर बात होती है, ठीक। अब बात करते हैं भाई दोनों जॉब, मैंने आपको बता दी किस तरीके की इसमें जॉब होती है। अब बात करते हैं बिजनेस में, ठीक है। चलो बिजनेस की बात बाद में करेंगे, पहले आपको मैं जॉब में सैलरी बता देता हूँ। उसमें सैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हर एम्प्लॉई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सैलरी, कि आपको सैलरी कितनी प्रोवाइड होती है, ठीक है। गाइज आपको जो सैलरी प्रोवाइड होती है, देखो नॉर्मल जो है 10,000 से 15,000, 20,000 जो नॉर्मल फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है
तो आपको 25,000, 35,000, 45,000 इस तरीके की 2-3 साल की एक्सपीरियंस में आपको मिल जाती है आराम से, क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉय को हम इतनी देते हैं। तो औरों का देखो, वो तो आपकी स्किल के ऊपर है कि आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी जॉब की चीज़ में कि भाई आपको जॉब में कैसे कैसे आपको सैलरी मिलती है, कैसे कैसे आपका काम होता है। ठीक है, काम इसमें एक तो ऑफिशियल वर्क है जो आप कॉलिंग करके पैसा निकालते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ आपको खुल जाते हैं कि भाई आप फिर टीम लीडर बन जाते हो, टीम को मैनेज करते हो, प्लस आप बहुत सारी चीज़ हो जाती है कि भाई फील्ड में बैंकों से डायरेक्ट आप मिल रहे हो। लेकिन अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है जो ज़्यादातर लोग DRA करके करना चाहते हैं, वो ये है कि वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करके वो अपनी एक रिकवरी एजेंसी बनाकर काम करना चाहते हैं। ठीक है, वही चीज़ मेन है गाइस। DRA करो तो अपना काम शुरू करो, मैं आपको यही सलाह दूंगा। अगर आप DRA कोर्स कर रहे हो तो आप अपना रिकवरी एजेंसी बनाकर काम शुरू करो। रिकवरी एजेंसी जब आप बना लेते हो, इसमें जो आपको पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं कमीशन के रूप में। देखो वो आपके ऊपर है कि संबंध किस तरीके से है, आपको उस बेस पे आपको कमीशन मिलता है। कहीं देखो 5% मिलता है, कहीं 6% मिलता है, कहीं 8% मिलता है, कहीं 10% मिलता है, कहीं 15% मिलता है, कहीं 25% भी मिलता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां 25% तक भी रिकवरी एजेंटों को पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने जॉब का भी बता दिया और आपको मैंने बिजनेस का भी बता दिया कि आप कैसे कैसे करके आप सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो, मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। और अगर कुछ भी आपका सवाल है आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम जितना भी हमें उसका आंसर पता होगा हम ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो गाइस चलते हैं, अब आपसे आज्ञा लेने का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में जो बेल आइकन है उसे अभी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।